ओम शांति। 10/5/2023 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट अर्थात तीखे बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो, तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मना भाव रहना है। दूसरा है, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। आज का वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भाव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भाव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेज फुल हैं, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। आज का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। मुरली विस्तार से आज गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकीलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं, प्रभु तेरी शरण आए, शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को ही सुख धाम कहा जाता है और कोई खंड को सुख धाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुख धाम और भारत ही दुख धाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं, सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं।
मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी है हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम तत्त्वमम, सब बिचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो, तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पड़ता कि यह विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी हैं, वह आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, पांच विकारों के महारोगी है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है, तब फिर बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है, योग में कोई सात रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे, घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। सात रोज मशहूर है, गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी सात रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज इस संगम युग की है, सात रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। सात रोज इस एक रस अवस्था में रहना यह बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो, दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। यह किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, अर्थात रानी के हार का मिसाल। यह ऑर्गन्स है, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो। हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ, अच्छा अपने को शरीर से डिटैच कर लो। यह ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे, यह तो तुम जानते हो। कर्म बिगर कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह ज्ञान इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं।
उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा। उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवे लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान न सके, बाप है गुप्त। तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं, यह ब्रह्मा का जो शरीर है यह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। अब बाबा कहते हैं, इन सब को छोड़ मामे कम याद करो। मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद। यह हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना रजाई का। पवित्र को ही लाइट ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र। उनको
कभी सन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का सन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो भिखारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते, फिर पवित्र बनने लिए घर बार छोड़ते हैं। वह है रजोगुनी सन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। नॉलेजफुल ब्लेसफुल मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं हैं ही फूल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। यह हार जीत का खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना, बाबा ने समझाया है। पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूंछ पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है। बाप आते ही हैं दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगर कोई पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता है। समझाना है, तुम आधा कल्प के महारोगी हो। माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हरेक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे यह बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है। उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते हैं, गाते हैं, मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या
सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मना भाव रहते हैं, वही मददगार है। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, यह दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, तब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ, मनुष्य तो पतित है। अब तुम आए हो शिव बाबा के पास, ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो, यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो, तुमको भी प्राइज क्या मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।